गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मामपिटोट राहुल और आज है रक्षाबंधन। आप सभी भाई को मेरे तरफ से हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। हम तो जाके बांध नहीं सकते लेकिन विश तो कर ही सकते हैं। और पता है अगला साल हमको अभी भी याद है, मतलब हम हमेशा हर साल एक्स्ट्रा 2-3 राखी खरीदते हैं। हम एक मिनी व्लॉग में भी शायद बोले आप लोग को ये स्टोरी, पूरा नहीं बोले थोड़ा सा ही बोले। हम हर साल एक दो एक्स्ट्रा राखी खरीदते हैं लेकिन कोई ना कोई भाई को हम बांध ही देते हैं। मतलब कैसे बताएं, एक बार हम ट्रेन पे बांध रहे थे एक भाई को और एक बार हम एक रैपिडो वाला भाई को बांध देते थे क्योंकि वो ना पूरा इस पर था, रैपिडो ऐप चलाते थे तो मतलब पूरा दिन रात हो गया था तो उनका खलाई खाली ही था। हम उनसे पूछे तो बोले कि नहीं मतलब घर नहीं जा पाए अभी, मतलब काम पे ही है, तो तब उनको हम बांध दिए थे। अगला साल ऐसा हुआ था। हर साल मेरे साथ ऐसे कुछ ना कुछ होता है, मेरा मतलब एक्स्ट्रा जो राखी हम लेते हैं वो चल जाता है। तो अभी बजे 10:30 और अभी हम थोड़ी देर पहले मतलब 5 मिनट या 10 मिनट पहले सो के उठे होंगे, फिर फ़ोन थोड़ा सा चला रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, क्योंकि दो रीज़न था आज लेट से उठने का। आज एक तो था छुट्टी, मस्त से सो, और दो नंबर ये था आज रक्षाबंधन है तो बहन लोग ना मतलब कुछ भी ना खा के पानी ना मतलब पी के रहती है, पानी पीती है शायद, हाँ पानी पीती है। मम्मी से मेरा पूछ लेंगे, हमारा हर साल यही हमको डिस्टर्ब होता है, हम भूल जाते हैं तो पानी वानी नहीं पी मतलब सॉरी खाना नहीं खाते हैं। तो अगर हम जल्दी उठ जाते ना ब्रश कर लेते फिर हमको भूख लग जाता है, इसलिए हम जल्दी नहीं उठते, ब्रश व्रश करके सो ही रहते। अभी उठे, अभी जा रहे हैं नहाने, फ्रेश हो जाएंगे, फिर सबसे पहले हम अपना कान्हा जी को पूजा करेंगे, कान्हा जी को राखी बांधेंगे, उसके बाद मेरा सारा भाई को बांधेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि 1:40 में ही हम राखी बांध सकते हैं तो हम कान्हा जी को अभी नॉर्मल ही पूजा दे दे रहे, राखी नहीं बांधेंगे। उसके बाद जब 1:40 हो जाएगा, 1:42 पे हम कान्हा जी को राखी बांध के घर से निकलेंगे, उसके बाद सारा भाई को धीरे धीरे राखी पहनाते पहनाते जाएंगे। और पता है रक्षाबंधन के लिए हम लोग बहन लोग जितना एक्साइटेड रहते हैं, शायद मेरा भाई लोग भी, मेरा क्या सब भाई लोग भी उतना ही एक्साइटेड रहते हैं। मेरा भैया है, मेरा भाई को अब देखे है, भैया लोग को भी अब देखे है, आप इस पे देखे है, अगला साल नहीं हो पाए था, घर बन रहा था तब हम अगला साल नहीं जा पाए, तो अगला साल हम मेरा भैया बड़े बड़े जो भैया है ना उन लोगों को राखी बांधने गए थे। अगला साल तो घर बन रहा था उस टाइम हम जा नहीं पाए तो नहीं गए, बाबू भी शायद नहीं गए, हमको उतना याद नहीं आ रहा है। नहीं यहाँ पे था, क्या हुआ था हम बता रहे हैं, जब अगला साल जब रक्षाबंधन था तब मेरा घर पूजा हुआ था तो बिहार से बस सब आया था तो सबको छोड़ के हम नहीं जा पाए और भैया लोग को भी हम नहीं बुला पाए, मतलब बहुत इधर ही उलझ गए थे। तो इस बार फिर से हम जाएंगे, मेरा जो बड़े भैया है उसको राखी बांधने के लिए इस बार हम जाएंगे और हम भैया को बोले अगला साल की आपको आना पड़ेगा मेरा घर राखी बांधने, वो लोग कभी आए नहीं इसलिए हम जा रहे हैं, तो हम ही बुलाते। फिर भैया लोग को ना ऑफिस भी रहता है तो शाम में छुट्टी होता है, फिर उन लोग थक जाएंगे आएंगे तो इसलिए हम मेरा जाना हो रहा है। मेरा भैया को एक ही टाइम छुट्टी रहता है संडे, तो देखेंगे एक संडे को भैया लोग को घर पर बुलाएंगे क्योंकि वो लोग भी कभी नहीं मेरा घर देखे है। तो चलो जल्दी नहा लेते हैं, उसके बाद कान्हा जी का पूजा कर लेते हैं, फिर 1:40 मतलब 1:42 में हमको 1:42-1:45 में हमको घर से निकलना है कान्हा जी को राखी बांध के क्योंकि आज रक्षाबंधन, बहन लोग अमीर बन जाओगे आज। तो चलो, और मेरा नेल्स देखो, मतलब हम ना मेरे से बाबा गुड मॉर्निंग बोल ভূতের মতো কি দেখছিস। তো মেরা ইয়ে ওয়ালা নেলস দেখলো কিতনা ইয়েলো হো গিয়া ক্যুকি না হাম চাম্মচ সে মতলব মেরা চাম্মচ সে খানা নি ঘুসতা হ্যায় অন্দর ইসলিয়ে শায়দ হাম ইতনা মোটু শোটু হো গয়ে হ্যায়, চাম্মচ সে খাতা চলে যেতা পেট নি ভরতা ওহি, লেকিন আচ্ছা হ্যায় তব হাম থোড়া সা পতলি স্লিম ট্রিম রহতে। তো ইয়ে রহা মেরা পিলা ওয়ালা নেলস জিসকো হমকো হোয়াইট করনা ক্যুকি রাখি রাখি বাঁধেঙ্গে আচ্ছা দিখনা চাহিয়ে। और ये देखिए, देखो मेरा चकाचक कर रही है ये वाला नेल्स,
उसके बाद कल हमको बिहार भी जाना है, आज रात में हमको पैकिंग भी करना है, और मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई। और वो ज़्यादा ना बोर नहीं होते हैं, मतलब ऐसे अकेले जाते तो लगता है कि मूवी 3-4 डाउनलोड कर ले उसके बाद जाए ताकि बोर ना हो। तो चलो नहा लेते हैं जल्दी जल्दी। ये रहा मेरा रक्षाबंधन का लुक, पूरा ब्लैक कलर का सूट पहने हुए हम। तो चलो हम तो रेडी हो गए, लेकिन अभी थाली सजाना बाकी है, और कान्हा जी के ऑलमोस्ट टाइम हो गया। कान्हा जी को भी राखी बांधेंगे, पूजा करेंगे, तब तक जाके नीचे से हम मिठाई लेके आते हैं, क्योंकि हम सोचे कि घर का ही प्रसादी से पूजा दे दे, उसके बाद फिर सोचे कि क्यों मेरा भाई लोग को मिठाई देंगे, अच्छा अच्छा फिर मेरा कान्हा जी को नहीं देंगे, मेरा भाई को नहीं देंगे, तो इसलिए इसमें है ना इसमें। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं नीचे, सामने ही एक मिठाई दुकान है, उधर से जाके हम लोग को जल्दी जल्दी मिठाई ले लेते हैं और कान्हा जी को पूजा करते हैं मेरा भाई को। माम माम मेरे साथ जा रही है, कोथा है तू? देखो माम माम भी नहा ली, और मामा बेचारी बोल रही है हम किसको राखी बांधे, मिमी हम किसको राखी बांधे, हम दिखा रहे हैं। दिस इज माय फुल लुक, मेरा एक अच्छा सा ना मतलब सूट साड़ी के साथ पहनने के लिए कोई भी फुटवेयर है नहीं, आज हम खरीद लेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे कि पूजू प्रेग्नेंट है तो उसका एक बेटा हो जाए, ताकि इधर आ मम्मा, इधर आ, इधर 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 जल्दी, ताकि मम्मा भी राखी बांध पाए अपना छोटी सा भाई को। क्या मम्मा तुम बड़ा भाई को? हाँ, बड़ा कैसे होगा, तुम बड़ी होगी और जो भाई होगा वो छोटा होगा, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जरूरी है एक भाई बहन, बहुत जरूरी है। और मायरा के पास तो भाई का कमी नहीं है, राखी खरीद खरीद के हम थक जाते हैं, तो मायरा का भी आज का दिन अच्छा ही जा रहा है, वहाँ पे वो अपने दादी पास और नानी पास रहते ना, मेरा कोई भी टेंशन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो चलो अभी जाते हैं बाहर मिठाई ले लेते हैं। सब हमको बोलते तुम कैसी माँ हो, तुम ऐसे कैसे पीछे घूम सकते हो, अपने भाई घूम सकते हैं, मेरे से ज़्यादातर उसका नाना नानी और दादी पे है। मेरा हो गया मिठाई लेना, और वहाँ पे ना हमको उतना खास नहीं लगा मिठाइया, क्या बोले हम, तो हम उनको मतलब हम सोचे कि एक ही बार में सारा मिठाई ले लेते, लेकिन उतना खास नहीं लगा, तो कालाकंद ही बस सही लग रहा था। और कालाकंद कितना लेते, मतलब ऐसा होता ना कि 5 टाइप का मिठाई लेते तो एक साथ ले लेते, कितना बार बार लेते। मामा ये कैसे, तो इसलिए हम मिठाई सब नहीं लिए, उधर से बस कान्हा जी का मिठाई लिए, जो काला कंद हमको अच्छा लगा था वही लिए, फिर बाद में दूसरा दुकान में लेंगे, इसे काला के क्यों हो गए। जब हम पूजा कर रहे थे पूछू नहा रही थी और सोमनाथ गया था शेरू का खाना लेने, तो यहाँ पे फ़ोन मेरा मम्मम पकड़ी है, और आप लोगों को पता ही है कि मम्मम का एक हाथ में चोट है, तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी, बहुत शेक कर रही थी फ़ोन को, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मेरा कान्हा जी को यहाँ पे हम राखी बांध दिए, निकल पड़े हम लोग, और पूछू और मम्मम उधर आ रहा है पीछे। सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे तनूर हसल, लेकिन कैसे जाएंगे ऑटो से, पता ये पता नहीं हम लोगों को ऑटो कितना पकड़ना पड़ेगा, हमको तो लगता है 2 चेंज करना पड़ेगा ऑटो, देखते हैं। और मिठाई भी नहीं ली, मिठाई भी लेना पड़ेगा, इतना सारा मिठाई लिए, लेकिन अभी और भी मिठाई लगेगा। हम सोचे कि मतलब जिसको पहले पहले राखी बांधेंगे ना उसको पहले, उसके लिए बस मिठाई लिए, और बाकी भैया लोग के लिए उधर से ही लेंगे, उनके घर के उधर से ले लेंगे। बहुत मुश्किल से ऑटो मिला एक, तो इसके बाद और एक ऑटो चेंज करना पड़ेगा, फिर उधर से ऑटो मिलेगा, फिर उधर घर जाने के लिए, फिर उधर से घर जाएंगे, नहीं गोड़िया। और ये वाला जो झुमका, ये हमको सुप्रीत मैम दिए थे, और मेरे नोज़ पे इग्नोर करना, मेरे नोज़ रिंग विष्णु के पास छोड़ के आ गए, हमको लेना पड़ेगा, कालीघाट से ले लेंगे, क्योंकि कल जम्मू ही जाएंगे और कालीनाग नहीं जाएंगे, इसलिए और ऐसे भी कालीघाट जाना ही पड़ेगा, पूरा पतला पतला सांखा पोला चाहिए, इसलिए हम लोग आ गए तनूर हसेल। और आते आते बिट्टू आ रहा था, पूछू का नज़र पड़ा, इतना खसके चिल्लाई भाई, अरे मैया अभी राखी पहनने से पहले हम मर जाते, तो चल अंदर जाता है पहले फिलहाल। तो आज मेरा थाली सज गया है यहाँ पे, रक्षाबंधन वाला थाली, यहाँ पे आके बैठते हैं, सब कुछ लाए तो माँ इतना ना गिरे।
এইটা না গিরে তো আমার রাখি কোথায় গিরে তোর ভেতরে আছে আর তুই রাখি নিয়ে নে একসাথে তো সেই দেব বেটু চলো উড়াল দিতে যাচ্ছে রে স্কুলে বাবা কেমন সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এরকম হয় না বলো আমি বল আমি যে সবে এসছি আমি যদি সকাল থেকে তানুর হেসেল সে নিকাল কে হাম গে বুয়া কে ঘর ভাই কো রাখি বাঁধে হ্যাঁ সবার ছোট একবার বললো সবার বলো এবার সবার ছোট है तो छोटू सा पर बहुत शांत है और बहुत समझदार भी तो इसको राखी बांधेंगे उसके बाद मेरा और दो भाई है जो चचेरी भाई है एक और एक है बुआ के बेटा तो जो बुआ के बेटा है और एक वो आज के दिन भी उसको छुट्टी नहीं मिला तो उसका हम काम के जगह पे ही जाके राखी बांधेंगे और एक भाई है उसको भी छुट्टी नहीं मिला जो चाची का बेटा है वो भी ऑफिस में है दूर लेकिन वो बहुत दूर है वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं तो इसलिए हम उसका राखी उसका घर पे ही देके आए हैं तो चलो मेरा छोटा भाई को राखी बांधने के बाद मेरा बुआ का बेटा का जहाँ पे काम का जगह उधर जाते हैं হম লোক লানে বলা থা ইয়ে কুত্তা হম লোক পেদল আয় আর বাইক সে আয়া इससे सीखो मेरे ये वाला भाई से सीखो चलो हम लोग आज रोड पे राखी बनाए अगला साल नहीं इसके मतलब हर साल सारा भाई को एक जगह बैठा के देते हैं लेकिन इस साल मेरा भाई का काम है काजे डुके जे सब चीज एक साथ निभा रहा है देख रे खेकी इस छोटे की अवस्था का कत सुंदर छोटा छिलो तो আগে ঠোঁটটা দেখ পুরো কাল আর কাল টিপটা ধরছে সবে সবে ওই যে আমার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে করে নিল ওই যে আমার দাঁত দিয়ে রাখাচ্ছে
কাজে ছুটি দেয়নি আমায় কল করবি তো ম্যানেজারের সাথে কথা বলে নিতা ওই দি এ হালকাই নিচ্ছে না ভাইকে ব্যান্ড দিচ্ছে যাতে খুলতে না হয় यहाँ पे मेरा रक्षाबंधन हुआ कंप्लीट। अभी जा रहा है मेरा बड़े भैया के घर और मेरा बड़े भाई आँख से बुला जानते हैं वो हुआ है क्योंकि वो ना खा के बैठे हुए। हम उनको मतलब हमको लगा वो खा लेंगे लेकिन नहीं खाए थे, ऐसे ना खा के बैठे हुए थे। है भालो तो अभी भैया फ़ोन किया हमको, इतना डांट पड़ा तुम लेट होगा तुमको, तुम हमको बोलती हम लोग खा लेते। फिर हम बोले ठीक है खा लीजिए, डांट तो पड़ गया हमको। उसके बाद फिर अभी भैया का पता नहीं मेरा फ़ोन से ना सबको कॉल लग जाता है। अभी हम लोग ना निकल गए, अभी उधर ही मतलब जा ही रहे हैं मेट्रो पे, अभी 4 बजे ठीक है जाते जाते कितना घंटा मतलब आधा घंटे में पहुँच जाएंगे ना, आधा घंटे में पहुँच जाएंगे जाते जाते, आधा घंटा 30 मिनट लगेगा। तो हम भाभी हमको हिम्मत ही नहीं, हम थर थर कांपते अभी भी। हम भाभी को फ़ोन किया, बोले भैया क्यों कॉल कर रहे हैं हमको। भाभी बोल रहा है तुम ही तो 2 बार मिस कॉल किया। बोले नहीं तब लग गया होगा। तो फिर भाभी पूछी कहाँ है, बोले मेट्रो पे है, हम आ रहे। वीडियो देखने से मेरा असलियत पता हो जाएगा। लेकिन हम भी हड़बड़ी कर रहे हैं, अभी तक हम कुछ भी नहीं खाए। हमको लगा मेरा भाई लोग तो खा लेगा, लेकिन ये भाई ये अपना भाई नहीं है। ठूसा क्या कर ठूसा मेरे सामने हमको दिखा दिखा के ठूस रहा है। ये नहीं कि दीदी नहीं खा रही है, हम भी ना खाएं। और हम एक साथ ही राखी बांधते हैं, मतलब वो बड़े भैया है उनको पहले, उसके बाद और एक भैया उनको, फिर इसको बांधते हैं। पता नहीं मेरी छोटी वाले भैया वो ऑफिस गए हैं, उनको आते आते 8 बज जाएगा, देखते हैं। अब वहाँ पे मेरा चलता है नहीं, मेरा बड़े भाई का ही चलता है। अब उसको राखी बांधने के बाद अगर हमको डांट पड़े तो हमको खाना पड़ेगा, नहीं तो हम छोटे भैया के लिए भी वेट। वैसे हम तीनों को ना राखी बांध के खाना नहीं खाते। तुमको कैमरा में देखने का बंदर जैसा मुंह लग रहा है, बंदर का पिछवाड़ा जैसा फिर मुंह देख रहा है। नहीं भाई हम तो इतना जल्दी चल रहे ना, मेरा पेट दर्द देने लगा है। तुमको तो अच्छा ही होगा, पैसा देना पड़ रहा है ना आज 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 राखी बांधेंगे तो हमको कुछ देना पड़ेगा, इसलिए मर जाओ। इसको देखो हम बोले मेरा बहन कहाँ पड़े। आ जा बहन, प्राइवेट कथा बोल कैमरा में बोल ना।